हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद आर एम एंड हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो सो आज का जो वीडियो होने वाला है उसमें हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा ये होगा ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स तो अगर आप ट्वेल्थ स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड से कर रहे हो तो इश्यू ऑफ शेयर है वो आपके पेपर में एट मार्क्स के लिए पूछा जाता है हमने प्रीवियस सेशन में इश्यू ऑफ शेयर के जो भी बेसिक जर्नल एंट्रीज है उसके बारे में डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया है अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देखिए बिकॉज क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपका जनरल एंट्री इसका बेसिक जो है वो क्लियर होना चाहिए तो हमने वो तो ऑलरेडी सीख लिया कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल फोर फीचर रीइ एंड ट्रांसफर किस तरीके से एंट्री होती है तो आज के सेशन में हम बोर्ड के पेपर का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं कि बोर्ड के पेपर में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हम एक क्वेश्चन आज के वीडियो में सॉल्व कर लेंगे प्रॉपरली सो so दैट आपको एक ओवरऑल आइडिया आ जाए और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ट हो जाए कि एक्जेक्टली exactly बोर्ड के पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम डिटेल डिस्कशन करेंगे प्रैक्टिकली मैं आपको बोर्ड के पेपर का क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा एंड उसके बारे में ओवरऑल कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा कि इश्यू ऑफ शेयर्स में बहुत लोग जर्नल एंट्रीज के साथ वर्किंग नोट बनाते हैं तो विदाउट प्रिपेयरिंग एनी वर्किंग नोट हम किस तरीके से इश्यू ऑफ शेयर्स का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एज वेल एज एट में से एट मार्क्स हम पेपर में स्कोर कर सकते हैं तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो काफी नॉलेजेबल होने वाला है तो जल्द से जल्द इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूले ताकि वो लोगों को भी इश्यू ऑफ शेयर का जो एट मार्क्स है वो फुल मार्क्स मिल पाए जितना आप शेयर करेंगे उतना यूट्यूब का एल्गोरिज्म इस वीडियो को प्रमोट करेगा तो चलते हैं सीधा स्क्रीन के ऊपर एंड इश्यू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन समझते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स पे जो बोर्ड प्रॉब्लम्स जो है या बोर्ड के पेपर में जो आते हैं विल बी मार्क्स इन द पेपर तो अभी हम सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो चेक कर लेते हैं कि पहला क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा था उसका मार्किंग अगर देखें तो एट मार्क्स का क्वेश्चन में आए कंप्लीट सॉल्व करेंगे कंसेप्ट के साथ तो ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन द कंसेप्ट अमाउंट पे फोकस मत करो किस तरीके से हम अमाउंट कैलकुलेट करते हैं उसके ऊपर फोकस करो तो so, सबसे पहले पॉइंट है यहाँ पे सुहास लिमिटेड इशूड 10,000 थाउजेंड इक्विटी शेयर ऑफ टेन ईच तो 10,000 थाउजेंड इक्विटी शेयर्स है टेन रुपीज ईच के प्रीमियम है टू रुपीज का इसका मतलब अगर दस रुपये का फेस वैल्यू है अगर दो रुपये का प्रीमियम है तो टोटल वैल्यू आपका बन जाएगा ट्वेल्व रुपीज का राइट पेएबल एस थ्री रुपीज ऑन एप्लीकेशन तो थ्री रूपीज आपका एप्लीकेशन में है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे चेक करना है कि एप्लीकेशन में कितना है एप्लीकेशन में आपका थ्री रूपीज है पहले एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है उसके बाद आपका सेकेंड कंसेप्ट आता है अलॉटमेंट अब ये अलॉटमेंट में यहाँ पे प्रीमियम भी है मैंने ऐसा क्वेश्चन लाया कि जिसमें अलॉटमेंट में प्रीमियम प्लस आपका पुरवरेटा एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड दोनों चीज़ें यहाँ पे रहेगी तो सबसे पहले अलॉटमेंट की अगर बात करें तो अलॉटमेंट वी हैव फाइव रूपीज और ये जो फाइव रुपीज है यहाँ पे फाइव रुपीज है अलॉटमेंट में ठीक तो है तो फाइव रुपीज ऑन अलॉटमेंट उसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है तो प्रीमियम कितना है आपका टू रुपीज का तो इसमें अगर देखा जाए तो टू रुपीज का आपका प्रीमियम होगा और रिमेनिंग थ्री आपका इक्विटी होगा राइट उसके बाद आपका बोल रहा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस कहा है इन्होंने बैलेंस इन टू इक्वल कॉल्स ऑफ इक्वल अमाउंट राइट तो बैलेंस कितना रहेगा फाइव प्लस थ्री इज एट एट प्लस टू इज टेन एंड टेन प्लस टू इज ट्वेल्व तो आपका टोटल फेस वैल्यू दस का बारह था राइट right? मतलब दो रुपए का प्रीमियम था ट्वेल्व का बाइफरकेशन है थ्री ऑन एप्लीकेशन फाइव रूपीज ऑन अलॉटमेंट टू रूपीज विल बी प्रीमियम थ्री रूपीज इक्विटी फर्स्ट कॉल आपका रहेगा दो रुपया और फाइनल कॉल आपका रहेगा वो भी दो रुपया है ठीक है तो दिस इज द कैलकुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही चीजें करनी है डायरेक्टली जनरल एंट्रीज पे जंप मत करना एप्लीकेशन वेर रिसूड फॉर इलेवन थाउजेंड शेयर्स इक्विटी शेयर्स एंड प्रोरेटा अलॉटमेंट वॉज मेड फॉर ऑल द एक्सेस मनी वॉज एडजस्टेड टूअर्ड्स अलॉटमेंट ठीक है बहुत सिंपल ट्रिक्स बताऊंगा सिंपल एंट्रीज बताऊंगा कुछ कैल्कुलशन करने की जरूरत नहीं है बहुत लोग इसमें बहुत वर्किंग नोट्स बनाते हैं वर्किंग नोट्स की कोई जरूरत ही नहीं है मैं कुछ सिंपल मेथड आपके साथ डिस्कस करूंगा तो प्रॉपरली नोट्स प्रिपेयर करके रखो सो so दैट आपको वर्किंग नोट बनाने में कोई दिक्कत ना हो या जो कैलकुलशन हम कर रहे हैं डायरेक्टली हम करने वाले हैं तो मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है शोभा हु हुटेड टू हंड्रेड इक्विटी शेयर फेल्ड टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो शोभा नाम की एक पर्सन है जिसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया है एंड उसका जो शेयर्स है ये फोरफिट हो गया फाइनल कॉल के बाद री इशू नहीं है पे पांच एंट्रीज इन द द बुक्स ऑफ ऑफ सिवास तो दिस इज वन बोर्ड प्रॉब्लम एंड इट वाज फॉर एट मार्क्स ठीक है ये अगर क्वेश्चन आप कर पाएंगे तो बाकी के जो इजी वाले क्वेश्चन है वो आप सही तरीके से कर पाएंगे अब सबसे पहले कुछ टाइम uh, ज्यादा बड़े नहीं इसलिए मैंने जर्नल एंट्रीज लिखा है तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक एक करके ध्यान से सबसे पहला हमारा स्टेप होता है एप्लीकेशन ठीक है एप्लीकेशन में बाजू में लिख रहा हूं ध्यान रखना एप्लीकेशन में पहला एंट्री होता है एप्लीकेशन मनी रिसीव का एंट्री था बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन तो मैंने यहां पे लिख दिया है फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन देखो अभी अमाउंट कैसे आएगा आपको कितने शेयर्स का एप्लीकेशन मिला ग्यारह हजार शेयर्स का एप्लीकेशन मिला एप्लीकेशन का रेट कितना है थ्री रूपीज है तो हमको क्या करना है बहुत ही सिंपल मल्टीप्लीकेशन करना है ग्यारह हजार मल्टीप्लाइड बाई थ्री रूपीज हमने कर लिया एंड आपका आंसर आ गया थर्टी थ्री थाउजेंड तो योर फर्स्ट एंट्री इज एप्लीकेशन मनी ड्यू में साइड में लिख रहा हूँ सॉरी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड तो फर्स्ट एंट्री क्या है एप्लीकेशन मनी रिसीवड का अब जो भी एप्लीकेशन मनी आपको मिलता है वो एप्लीकेशन मनी हम ट्रांसफर करते हैं शेयर कैपिटल के अंदर तो आपका दूसरा एंट्री जो होता है वो दूसरा एंट्री है ट्रांसफर का अभी कुछ लोग ये ट्रांसफर के एंट्री में ही प्रो रेटा एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टमेंट करते हैं मैं अलग करता हूँ अलग करेंगे तो ज्यादा बेटर है समझने के लिए तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट अभी ये कैसे करने का ध्यान रखना आपने कितने शेयर्स इशू किए हैं आपने टेन थाउजेंड शेयर्स इशू किए हैं तो जितने आपने इशू किए होंगे उतने ही शेयर्स का पैसा ट्रांसफर होगा इक्विटी शेयर कैपिटल में तो टेन थाउजेंड को हमें थ्री से मल्टीप्लाई करना है देखो यहाँ पे भी मैंने लिखा है टेन थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई थ्री जब हम करेंगे तब हमें वैल्यू आ जाएगा थर्टी थाउजेंड एंड दैट इज दी एंट्री फॉर ट्रांसफर ट्रांसफर का एंट्री फिक्स है एंट्री तो आप प्रैक्टिस करके बाहर कर सकते हैं लेकिन अमाउंट का तरीका समझ में आना चाहिए फर्स्ट तो इशूड के शेयर्स है दस हजार शेयर इंटू थ्री का एप्लीकेशन दर्टी थाउजेंड ठीक है उसके बाद काफी इंपॉर्टेंट है अभी यहां पे एक चीज बोला है, देखो दी एक्सेस मनी वॉज एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट और आपको हमेशा याद रखना है एक्सेस मनी हमेशा अलॉटमेंट के साथ ही एडजस्ट होता है तो यहाँ पे एक एंट्री आया है दिस एक्सेस मनी एडजस्टमेंट का एंट्री कहो या प्रोरेटा का एंट्री कहो आप किस कोई भी पॉइंट से इसको याद रख सकते हैं यूजली दिस इज एक्सेस मनी एप्लीकेशन मनी जो है वो एडजस्टमेंट का एंट्री और वो एडजस्टमेंट किसके साथ करना है वो एडजस्टमेंट आपको करना है अलॉटमेंट के साथ तो एंट्री क्या बनेगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट तो एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करना है लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग कैलकुलशन करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं अमाउंट ढूंढते हैं मैं एक सिंपल ट्रिक बताता हूं देखो फर्स्ट एंट्री जो आपने किया है रिसीव का सेकेंड एंट्री जो किया है आपने ट्रांसफर का तो आपको करना क्या है फर्स्ट एंट्री में से फर्स्ट एंट्री में से सेकेंड एंट्री का जो अमाउंट है उसको माइनस कर देना है तो थर्टी थ्री थाउजेंड में से थर्टी थाउजेंड गया हमको सीधा आंसर आ जाएगा थ्री थाउजेंड एंड दैट इज योर एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड तो ये तीन कंसेप्ट है ध्यान रखना इसमें एक अलग से कंसेप्ट आता है रिफंड का अगर जब भी रिफंड आएगा तो एंट्री नंबर वन जो हम कर रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन उसका रिवर्स एंट्री आपको पास कर रहा है अभी अगले स्टेप पे चलते हैं अगला हमारा जो स्टेप है इंक्लूडिंग प्रीमियम उन्होंने कहा है। हमारा दो रुपया है तो पांच रुपया में अगर दो रुपया प्रीमियम रहेगा तो कितना बचेगा थ्री रूपीज राइट अभी हम जितने भी मल्टीप्लीकेशन करने वाले हैं हम सारे मल्टीप्लीकेशन टेन थाउजेंड से ही करेंगे तो ध्यान रखना कैसे करेंगे पहले एंट्री देखते हैं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट ठीक है account, बहुत सिंपल है देखो आपके शेयर्स थे टोटल वैल्यू था आपका रुपया, तो दस हजार इंटू पांच करेंगे तो पचास हजार आएगा राइट आपका इक्विटी का वैल्यू है दस हजार इंटू तीन तो दैट इज योर थर्टी थाउजेंड प्रीमियम हमने अभी सीखा कितना था प्रीमियम दो रुपए का तो दस हजार मल्टीप्लाइड बाई दो करेंगे तो आपको ये प्रीमियम आ जाएगा तो ये था हमारा अलॉटमेंट मनी ड्यू अगर आपके क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम मतलब प्रीमियम नहीं है तब आप क्या एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट व्हेन वी हैव प्रीमियम इन द क्वेश्चन हम प्रीमियम अलग से लिखेंगे तो ये था ड्यू का एंट्री अब हमारा नेक्स्ट जो एंट्री आएगा दैट इज अलॉटमेंट मनी रिसीव लेकिन एक स्टेप हमेशा याद रखना है वेन एवर देर इज प्रो रेटा और वेन एवर देर इज एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टमेंट तो ये जो एंट्री हम करने वाले हैं एंट्री तो सेम रहेगा लेकिन इसमें अमाउंट चेंज हो जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ये आपकी एंट्री है अब ध्यान रखना अमाउंट कैसे ढूंढना है देखो अमाउंट ढूंढने का बहुत सिंपल मेथड है जो अलॉटमेंट मनी ड्यू में अमाउंट है वो मैं लिखता हूं पहले यहां पे फिफ्टी थाउजेंड के अमाउंट है ठीक है अगर एक्सेस एप्लीकेशन मनी नहीं रहेगा तो ये पचास हजार सीधा आ जाएगा ये पचास हजार को आपको क्या करना है

या क्या करते हैं बच्चे सीधा फिफ्टी थाउजेंड देखो मैंने अभी तक कुछ भी वर्किंग नोट बनाया ही नहीं है बहुत सारे लोग वर्किंग नोट वर्किंग नोट करते हैं और बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं सिंपल मेथड वी विल बी फॉलोइंग अगर आप ये सिंपल मेथड को फॉलो करेंगे तो आपको वर्किंग नोट्स की कोई जरूरत ही नहीं है पूरा सम में सॉल्व करके दिखा रहा हूँ विदाउट एनी वर्किंग नोट्स राइट सो बेसिकली क्या है मल्टीप्लिकेशन आपको ध्यान से समझ में आना चाहिए तो अलॉटमेंट मनी ड्यू भी हो गया रिसीड भी हो गया अब हमारा आता है फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल ठीक है फर्स्ट कॉल अलग है फाइनल कॉल अलग है तो अभी आएगा आपका फर्स्ट कॉल मनी ड्यू उसके बाद आएगा फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड तो हमारा फर्स्ट कॉल का कितना था हमने ढूंढा था इधर फर्स्ट कॉल का दो रुपया है फाइनल कॉल का भी दो रुपया है तो कैसे करेंगे बहुत सिंपल एंट्री है इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट दस हजार आपका नंबर ऑफ शेयर्स है दो रुपया वैल्यू है तो दस हजार इंटू रेट है दो रुपया दो दस हजार इंटू दो करेंगे तो बीस हजार आ जाएगा दैट इज योर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू इसके बाद हमारा स्टेप होता है फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड अब ये फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड में एरियर्स है एक बार चेक कर लेते हैं शोभा हुर अलॉटेड टू हंड्रेड इक्विटी शेयर फेल्ड टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड हर शेयर वेर फोरफिटेड आफ्टर द फाइनल कॉल तो 200 सौ शेयर्स so, का फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं आया फाइनल कॉल का भी पेमेंट नहीं आया है एंड बाद में उसके शेयर्स जो तो है फाइनल कॉल के बाद फोरफिट किए हैं तो हमने लिखा यहां पे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सिनेरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट बहुत सारे बुक्स क्या करते हैं कॉल सिनेरियर्स मेंशन ही नहीं करते सीधा माइनस करके लिख देते आप वैसा मत करो कॉल सिनेरियर्स मेंशन करो ताकि आपको फोर फीचर के एंट्री में इजी जाएगा देखो हमको करना क्या बहुत है बहुत सिंपल मेथड है सबसे पहले ये बीस हजार को इधर क्रेडिट साइड में कॉपी करना है ठीक है उसके बाद कितने शेयर्स थे 200 सौ थे शोभा के पास फर्स्ट कॉल का रेट क्या था दो, दो रुपया था तो 200 सौ इंटू दो करेंगे तो हमको चार सौ रुपया अमाउंट आ जाएगा तो बीस हजार में से बैंक कैसे ढूंढेंगे बहुत सिंपल मेथड है बीस आपने क्रेडिट में लिखा 400 सौ आपने कॉल्सिन एरियर्स डेबिट में लिखा तो 20,000 में से 400 माइनस करो आपको 19,600 की वैल्यू आ जाएगी इसको आप नंबर ऑफ शेयर्स के बेसिस पे भी ढूंढ सकते हैं लेकिन 9,800 नंबर ऑफ शेयर्स आएगा आपका दस हजार में से अगर 200 सौ फोर फिट दो सौ शेयर्स पे है तो 9,800 बचता है वैसे भी कर सकते हैं लेकिन सिंपल मेथड मैंने आपको बताया पहले ऊपर के अमाउंट क्रेडिट साइड में कॉपी कर लो फिर एरियर्स ढूंढ लो एरियर्स ढूंढने के बाद 20,000 में से 400 माइनस करो ट एवर रिमेन्स नाइनटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड दैट इज अवर बैंक ये था हमारा फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड का एंट्री अब हमारा फाइनल कॉल भी है उसके बाद फोर फीचर है तो अभी फाइनल कॉल में क्या आएगा सबसे पहले फाइनल कॉल मनी ड्यू आएगा तो ड्यू में भी रेट तो सेम था हमारा तो क्या था हमारा टेन थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई टू रुपीज एंड दैट इज अगेन ट्वेंटी थाउजेंड तो फाइनल कॉल मनी ड्यू तो आपको आ जाएगा फर्स्ट कॉल का नाम निकल के फाइनल कॉल लिखना है सिमिलरली फाइनल कॉल मनी क्या करना है आपको रिसीव करना है तो रिसीव में भी सेम है बैंक अकाउंट अकाउंट डेबिट डेबिट कॉल कॉल टू इक्विटी शेयर फाइनल वही मेथड पहले यहाँ का वैल्यू इधर क्रेडिट में कॉपी करो रेट सेम है इसलिए अमाउंट भी सेम आ रहे दो सो शेयर मल्टीप्लाइड बाय दो रुपया रेट तो चार सौ और यहाँ पे बैंक में आपका माइनस करके आ जाएगा ट्वेंटी में से फोर माइनस करेंगे तो नाइनटीन आ जाएगा अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है फोर फ्यूचर इधर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे लिखना है ध्यान रखना बहुत सिंपल ट्रिक बता दो तो. तो पहले सबसे पहले तो आपको फोर फ्यूचर की जर्नल एंट्री आनी चाहिए क्या है जर्नल एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट टू शेयर फोर फ्यूचर अकाउंट दिस इज दी जर्नल एंट्री फॉर द्यूचर ऑफ शेयर अभी अमाउंट कैसे लिखना है देखो कितने शेयर फोरफिट किए थे शोभा के पास दो सौ शेयर थे ठीक है तो आपको 200 को मल्टीप्लाई करना है फेस वैल्यू के साथ फेस वैल्यू क्या था फेस वैल्यू था दस रुपया प्रीमियम वगैरह इसमें प्लस मत कर देना रॉन्ग हो जाएगा तो 200 सौ इंटू कितना आएगा 2000 तो आपका देखो यहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 सौ मल्टीप्लाइड बाई दस किया है तो वैल्यू आ गया टू

और ये शेयर फोर फीचर है वो हमको माइनस करके डिफरेंस ढूंढना है यहाँ पे डेबिट में मैंने दो हज़ार लिखा है क्रेडिट में मैंने आठ सौ लिखा है तो आपको क्या करना है दो हज़ार में से ये आठ सौ जो है वो माइनस कर देना है तो कितना वैल्यू बचा बारह सौ बच गया तो बारह सौ हमारा क्रेडिट साइड में आ गया दिस इज द कंसेप्ट ऑफ शेयर फोर फीचर ये क्या है ये कंसेप्ट है हमारा शेयर फोर फीचर का इसको हमको ध्यान से लिखना है लेकिन अगर आपका शेयर फोर फीचर में बैलेंस जो है वो सही आना है तो उसके लिए आपका कॉल्सिन एरियर्स का अमाउंट सही आना चाहिए कॉल्सिन एरियर्स गलत कर दिया तो ये शेयर फोर फीचर भी गलत हो जाएगा दिस इज द कंसेप्ट ऑफ शेयर फोर फीचर अब और एक ट्रिक बता देता हूँ और एक पॉइंट बता देता हूँ कि कभी अगर बैलेंस शीट का छोटा सा फॉर्मेट पूछे तो कंफ्यूज मत होना मैंने इधर बैलेंस शीट भी बनाया है ठीक है सबसे पहले हम बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल लिखेंगे अब ये शेयर कैपिटल कैसे लिखेंगे देखो दस हजार शेयर्स हमने इश्यू किए थे राइट इसमें से दो सौ शेयर शोभा के फॉरफिट हुए कि तो कितने शेयर्स बचे नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड नाइन थाउजेंड एट एट हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू टेन तो कितना आएगा वैल्यू 98,000 एट थाउजेंड तो ये मैंने यहाँ पे नाइनटी एट थाउजेंड लिखा है राइट उसके बाद अगर हम देखें सिक्योरिटीज प्रीमियम देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम आपको दिख रहा है अलॉटमेंट मनी ड्यू के एंट्री में ये दिख रहा है मैं सर्कल कर रहा हूं तो ये बीस हजार जो दिख रहा है यही मैंने यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम नाम का पॉइंट डाल के ट्वेंटी थाउजेंड लिखा है नेक्स्ट पॉइंट इज शेयर फोर फ्यूचर अब ये बारह सौ कहाँ से लाया हमने देखो लास्ट एंट्री में शेयर फोर फीचर का वैल्यू ढूंढा था सर्कल कर रहा हूँ ध्यान से देख लो बारह सौ रुपया तो यही हमने बारह सौ यहाँ पर लिखा है फिर असेट साइड में जो बैंक है अभी ये असेट साइड का बैंक है ना थोड़ा कैलकुलेटिव है ध्यान से देखो कैसे करना है सबसे पहले आपको यहाँ पे चेक करना है बैंक अकाउंट डेबिट दिख रहा है आपको थर्टी थ्री थाउजेंड ठीक है तो मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ ये थर्टी थ्री थाउजेंड उसके बाद आपका बैंक किधर है सीधा फोर्टी सेवन थाउजेंड तो हमको ये सारा प्लस करना है देखो थर्टी थ्री थर्टी थ्री थाउजेंड प्लस फिर कितना है फोर्टी सेवन थाउजेंड प्लस फिर ये बैंक का दिख रहा है नाइनटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड यहाँ पे नाइनटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड है प्लस अगले इधर भी नाइनटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड है तो वो भी आपका प्लस होगा नाइनटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड जब आप इन सभी को ऐड कर लोगे तब आपको वैल्यू मिलेगा एक लाख उन्नीस हजार दो सौ करके देख सकते हो आप एक लाख उन्नीस हजार दो सौ यही वैल्यू मैंने यहाँ पे बैंक के कॉलम में लिखा है दिस इज बैंक और ये आपका बैलेंस शीट का टोटल हो गया वन लैक नाइनटीन थाउजेंड टू हंड्रेड कभी कभी पूछ सकते हैं नहीं पूछा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर पूछा तो दो तीन पॉइंट्स ही प्रेजेंट करने हैं एंड आपको बैलेंस शीट बना लेनी है एंड बैलेंस शीट को इस तरीके से आप टैली कर सकते हो तो, तो दिस इज द क्वेश्चन विच वॉज आस्क इन द बोर्ड पेपर और एक क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ ये ट्राई करो आप बहुत ही सिंपल है मोहिनी कंपनी इशूड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इक्विटी शेयर्स ऑफ हंड्रेड इच एप्लीकेशन बीस है अलॉटमेंट तीस है फर्स्ट कॉल ट्वेंटी सेकेंड एंड फाइनल कॉल थर्टी है और इसमें कोई भी एरियर्स नहीं है इसमें कोई भी फोर फीचर नहीं है लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे आप चेक करो एप्लीकेशन वे रिसीव्ड फॉर बोल रहा है ट्वेंटी टू थाउजेंड शेयर्स एंड मोहिनी लिमिटेड इशूड बोल रहा है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड शेयर्स तो ये थोड़ा गड़बड़ है गड़बड़ ऐसा है कि अगर आपके पास एप्लीकेशंस 22,000 शेयर्स का ही आता है तो क्या आप 25,000 शेयर्स इशू कर सकते हैं बिल्कुल भी नहीं कर सकते ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन ये कंसेप्ट दिमाग के ऊपर से जाता है तो भूल जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं देखो आपके पास अगर एप्लीकेशंस ही बाईस हजार शेयर्स का आया लो, लोगों ने आपके पास पैसे ही बाईस हजार शेयर्स के दिए तो क्या आप पच्चीस हज़ार शेयर इशू कर पाएंगे आपका आंसर रहेगा सर कैसे इशू कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे बराबर परफेक्ट तो आप जितने भी जर्नल एंट्रीज में अमाउंट लेंगे उसमें आप पच्चीस हजार नहीं लेंगे उस पे आप कितना लेंगे बाईस हजार शेयर्स से ही कैलकुलेशंस करेंगे तो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट बस ये पॉइंट अगर समझ में आ गया तो बाकी तो एप्लीकेशन में दो एंट्री अलॉटमेंट में दो एंट्री फर्स्ट कॉल दो एंट्री फाइनल कॉल दो एंट्री ऐसे आप कर सकते हैं तो ये एक सिंपल क्वेश्चन आया था विच वाज़ फॉर एट मार्क्स सिंपल क्वेश्चन आए कि प्रो रेटा एक्सेस एप्लीकेशन मनी आए फोर फीचर आए कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो आप इजिली सॉल्व कर पाएंगे आई होप कि आपको ये वीडियो से कुछ चीज़ें रिवाइज हुई है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें बिकॉज जितना आप शेयर करेंगे उतना आपका जो नॉलेज uh, है वो भी बढ़ जाएगा और आपके फ्रेंड्स को भी इससे हेल्प हो पाएगा मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट सेशन में टिल देन बाय बाय टेक केयर